पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जीएसटी के बारे में लोगों को नॉलेज ही बहुत कम है कि ये जीएसटी है क्या। लोग बाग इसको समझ रहे हैं कि कोई नया टैक्स आ गया है और उनको इसके बारे में पूरा पता ही नहीं है। तो सरकार जैसे अपनी बहुत सारी योजनाओं को जिस तरीके से उसका प्रचार करती है और छोटी छोटी सी योजनाओं का बहुत ज्यादा प्रचार करती है, तो जीएसटी को क्यों नहीं लोगों को समझाती? उन प्रचारों का असर शहर तक तो होता है लेकिन गांव तक नहीं पहुंच पाता। तो गांव का आदमी तो जो कि एक अल्टीमेट कंज्यूमर है, अल्टीमेट कंज्यूमर पर इसका एक बार तो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, लेकिन यस धीरे धीरे क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट की वजह से वो हो सकता है नलीफाई हो जाए, लेकिन अब ये समय ही बताएगा कि कितनी रेट, क्योंकि रेट अभी डिटरमाइन नहीं है। तो रेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा चीजें जो है वो डिटरमाइन कर पाएंगी कि किस तरह से इसका इम्पैक्ट आएगा। अगर अभी के रेट्स के हिसाब से अगर आगे आने वाले रेट्स बढ़ा दिए जाएंगे तो कुछ चीजों पर नेगेटिव और कुछ चीजों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आकर चीज वहीं की वहीं आ जाएगी। तो इसका लागू होने ना होने का कितना इम्पैक्ट आएगा इसके ऊपर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसका जो अभी कर विभाग है उनमें जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग कर विभाग में जाने से डरता है कि इतने सारे फॉर्मेलिटीज और उसमें हर जगह कुछ ना कुछ रिश्वत चलती है, तो उसमें क्या रोक लगेगी? देखिए ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट जीएसटी का है कि ये सारा का सारा टैक्स ऑनलाइन है। इससे क्योंकि टैक्स ऑनलाइन होने की वजह से सीधा का सीधा टैक्स जो है सीधा गवर्नमेंट के उसमें ही जमा होगा, तो कुछ हद तक तो इसमें भ्रष्टाचार के ऊपर रोक लग